Good morning, students. 8th standard, 8th lesson, air pollution. And last time we have seen what is the reasons for air pollution. And today we will see what are the effects of air pollution on plants and animals. क्या क्या effects होता है plants में और animals में, क्या क्या effects हो सकता है pollution से, air pollution से क्या क्या effects होता है. Stomata get closed. जो leaves में जो stomata रहता है उनका जो खाना बनाने का जो भी ये रहता है होल्स रहता है वो सब क्लोज हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स में से. और स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस रहता है वो स्लो हो जाता है. और ग्रोथ इज रिट्रेटेड, मींस जो ग्रोथ रहता है वो कम होते जाता है, रिटार्डेड. एंड लीव्स फॉल ऑफ बिकम येल्लो, और लीव्स जो रहता है एक तो नीचे गिर जाता है नहीं तो येल्लो येल्लो हो जाता है ट्रीज में. ये सब क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. एंड एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड, जो रेस्पिरेशन रहता है वो बहुत इफेक्ट होता है, उसमें इफेक्ट होता है. और इरिटेशन ऑफ आईज, एनिमल्स का आईज जो रहता है वो उसमें भी इरिटेशन हो जाता है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है. और कौन सा रहता है एयर पोल्यूशन का, कौन सा रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है. और वो कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड किस में से आता है, फैक्ट्रीज में से, ठीक है. उसका इफेक्ट क्या होता है, इरिटेशन ऑन आईज, अपने आंखें में इरिटेशन होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसको भी साइड इफेक्ट होता है उससे, सल्फर डाइऑक्साइड. और एक्सेस द म्यूकस, कफ एंड ब्रीथ, ब्रीथिंग के टाइम पे भी तकलीफ होता है और खांसी हो जाता है उससे, ठीक है. दीज आर ऑल सल्फर डाइऑक्साइड का ये है साइड इफेक्ट्स. और उसका सोर्स किधर से आता है, फैक्ट्रीज में से आता है. और कार्बन मोनोऑक्साइड ये किधर से आता है, उसका सोर्स है व्हीकल और इंडस्ट्रियल स्मोक, जो स्मोक आता है गाड़ी में से या इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होता है. और वो क्या होता है, अपने ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी रहता है उसको कम करते हैं, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी जो उसको कम करते हैं. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो किस में से आता है, व्हीकल स्मोक, व्हीकुलर स्मोक, जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलते हैं उसमें से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है. और इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, ये जो लंग्स को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द डस्ट, ये किस में से आता है, व्हीकल्स में से, ये तो आपको पता है. वो किसको ये होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस क्रिएट करते हैं, पेस्टिसाइड्स, मीथेन, ये सब एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन में जो मिक्स होने वाले केमिकल से, ठीक है, उससे सब क्या होता है, इंडस्ट्रियल लीकेज में से या प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनाने के टाइम पे क्रिएट होता है. और लीकेज ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें से मीथेन बाहर आता है तो वो क्या होता है, स्किन कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, मीथेन जो है स्किन कैंसर क्रिएट करते हैं, या आस्मा या रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये सब बनाने का कारण होता है, ये सब साइड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट से, ठीक है. नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में इफेक्ट करते हैं. ओजोन आप लोग सुना रहेगा, ओजोन लेयर सुना रहेगा, वो ओजोन लेयर का क्या यूज होता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सनरेज, जो सनरेज रहता है उसमें से अपने को, सनरेज का जो अल्ट्रावायलेट रेस रहता है उसमें से अपने को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर कम हो जाता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाता है, कम हो जाता है. और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला तो अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम इसमें रहता है लेकिन उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो रहता है, सोलर हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे बाकी का अर्थ का दो तीन अलग टाइप का नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब हीट को ट्रैक करता है, ठीक है. ये सब क्या होता है, अर्थ के ऊपर रहता है तो ये एनर्जी जो है सन में से आने वाले एनर्जी जो रहता है उसको सब अर्थ के ऊपर ये ऑब्जर्व करके रखता है. लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ऑब्जर्व करते हैं, इसको सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पावर जो है कम होते गए तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है.
फिर एब्जॉर्व करने का पावर जो है कम होते जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होएगा, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ सकते हैं, या एग्रीकल्चर यील्ड जो है, एग्रीकल्चर में से अपने को जो मिलते हैं वो कम होते जाता है, और वाइल्ड एनिमल्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाता है वाइल्ड एनिमल्स में, और आइसबर्ग ग्लेशियर्स वो सब मेल्ट होने से जो सी लेवल का जो पानी जो रहता है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हो, चेंजेस होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एसिड रेन। एसिड रेन बोला तो जब इधर हम लोग कुछ भी जलाते हैं तो इसमें से जो क्या बोलते हैं, बर्न करने से जो भी ऊपर जाते हैं ऑक्साइड्स वो मिक्स होता है, रेन के साथ मिक्स होने के बाद एसिड क्रिएट होके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो दोस ऑक्साइड मिक्स विथ रेन वाटर एंड फ्रॉम फॉर्म एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रियस एसिड, ये एसिड्स क्रिएट होके नीचे पानी के, बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाता है ये एसिड, उसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन बोला तो समझ में आया। जब हम लोग कुछ भी इधर जलाते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलता है उसमें अलग अलग टाइप का ऑक्साइड्स रहता है, ये सब रेन वाटर जो ऊपर से आता है उसके साथ मिक्स होने के बाद एसिड होके वो नीचे आ जाता है। तो एसिड रेन से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, जो सॉइल का एसिडिटी है वो इंक्रीज होता है, सॉइल तो जो पानी का, पानी एसिड रेन में से जो एसिड आता है उसे सॉइल खराब हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, पूरा सॉइल खराब होने से जो प्लांट्स रहते हैं उसको इफेक्ट होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको भी इफेक्ट होता है। पानी में जो पानी नीचे गिरता है वो पानी में डायरेक्ट वो सील में गिरते हैं या लेक में रहते हैं, किधर भी जो स्टोर किया हुआ रहता है पानी उसमें आके गिरने से क्या होगा, वो पूरा पानी खराब हो जाता है, उसकी वजह से जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहता है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स रहते हैं उसको भी इफेक्ट हो जाता है। और दूसरा है बिल्डिंग जो रहता है, बिल्डिंग या मेटल आइडल्स रहता है, ऐसा पुतला बोलते हैं ना, ऐसा वो पुतला बनाया हुआ रहता है मेटल्स का, वो सब खराब करता है एसिड रेन से, वो पूरा खराब होता है। और जो हेवी मेटल्स रहता है, मरकुरी, कार्डमियम, ये सब, कैडमियम, सब जो भी मेटल्स रहता है वो सब एब्जॉर्ब करते हैं और फूड चेन में वो प्रॉब्लम हो जाता है। बाद में क्या होता है, ये फूड जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स में ये जो चीज एसिड का जो भी है वो गिरने से क्या होता है, कोई कोई प्लांट्स मर जाते हैं, तो प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स रहते हैं उनको फूड नहीं प्रॉपर मिलता है, तो पूरा वो फूड चेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, उनको फूड नहीं रहा तो आगे का एनिमल्स को, दूसरे ये एनिमल्स नहीं रहा तो दूसरे एनिमल्स को फूड नहीं रहेंगे, ऐसा पूरा फूड चेन को वो एसिड रेन से इफेक्ट हो सकता है। और ड्यू टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज एंड पाइप्स लीचिंग ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक मेटल्स ओक्योर इन वाटर, देयर बाय सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज। तो ये जो एसिड रेन से अपने हेल्थ को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, बाय।